राजपथ इवन गार्डन्स के अंदर लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन। इस गार्डन्स के अंदर 75 स्पीशीज का सिलेक्शन किया है, जिसमें से टुलिप्स, फ्रीशिया, ऑर्निथोगैलम, पेंजी, पिटोनियास, ऐसे बहुत सारे विंटर एनिमल्स हैं। गार्डन की तैयारी जो हम लोग फरवरी में देखते हैं बहुत सारे फूल, इसकी तैयारी हम लोग सितंबर से कर देते हैं। सितंबर में पहले इसकी लैंड प्रिपिंग करते हैं, उसके बाद फिर सीड सोइंग करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग पुर्निंग स्टेकिंग लाई गुराई सब होते रहता है, तब जाके फरवरी में ये फूल खिलते हैं और एक साथ खिलते हैं। लॉन्स के अंदर जो भी हमारे लॉन्स हैं, हमारे ईस्ट लॉन है या सेंट्रल लॉन है, उसकी देखरेख, उसका घास काटने का मैं करता हूँ। इसको सर्दियों के अंदर सर हमें किस लेवल पर काटना है, फर्टिलाइजर्स कुछ यूरिया है, नीम पाउडर से नीम खल है, वो देना होता है ग्रोथ के लिए। ये जाफरी स्टॉक, आर्य, गेंदा, नमेशिया, डाइंथस, दिमाग फूटी, इन सब फूलों की क्यारियों की हमें देखभाल करनी पड़ती है। मोर से और बंदर से बचाना, ये जाली लगाना, पन्नी ढकना, कोई चीज़ पाला से ना ख़राब हो, ये इन सब का हमें देखभाल करनी पड़ती है अच्छे से। इसमें नलाई वलाई करना पड़ता है, बहुत देखभाल होती है, बच्चों की तरह देखभाल करना पड़ता है। हमें भी अच्छा लगता है काम करते हुए। गार्डन खुलता है सब आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी तक सब ने यही तारीफ़ करी है कि गार्डन अच्छा है, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि अच्छा ही बने और बेस्ट बने। हमारी तरफ से कितनी भी कोशिश हो, हम पूरा वही करते हैं।